भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा के अध्यक्ष कार्यकाल में पहली प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी बैठक आयोजित की गई। वर्चुअल बैठक में होशियारपुर से जिला अध्यक्ष निपुण शर्मा, कमल चौधरी, जगतार सिंह सैनी, शिवसुद धर्मपाल, सभरवाल, विजय पठानिया, आरपी धीर, डॉक्टर रमन गई, डॉक्टर दिलबाग राय, विनोद परमार, मीनू सेठी, महिंदर पाल मान व अन्य पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस संबंधी जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष निपुण शर्मा ने बताया कि कोविड-19 के चलते वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला स्तर पर संवाद स्थापित किया गया तथा इस दौरान दो प्रस्ताव भी पास किए गए। अगली मीटिंग हो रही प्रदेश कार्यकारिणी की अश्विनी शर्मा जी की अध्यक्षता च, ते साडे संगठन महामंत्री दिनेश जी की अध्यक्षता च ये मीटिंग चल रही उन्होंने सरपरस्ती च, और करोना वायरस करके चंडीगढ़ च मीटिंग हो रही है। सारे जिले हैडक्वाटर से गाइडलाइन हैगी है कि जिन्हें भी हर जिले स्टेट एग्जैक्टिव मैंबर है प्लस जिले के महामंत्री जिला अध्यक्ष वो हैडक्वाटर से एक जगह इकट्ठे हो गए, ये सैशन वाइज सारी मीटिंग अटेंड करेंगे सवेर तो शाम तक, और उस हिसाब नाल अपना जो भी है सुझाव भी दे सकते हैं। राजनीति साढ़े चल रही है जी, अजे मीटिंग राजनीतिक प्रस्ताव पास होएगा जी, पोलिटिकल होएगा, सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पास होएगा, जो प्रस्ताव अज पास होंगे उत्ते फिर गां जिला हैडक्वाटर उस हिसाब सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे, जो सरकार दी नीतियां उन्होंने खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। अज भारतीय जनता पार्टी पंजाब प्रदेश की पहली कार्यकारिणी की बैठक साडे प्रदेश अध्यक्ष श्री अश्विनी शर्मा जी की योग अगवाई हेठ चंडीगढ़ के सवेरे 11 बजे शुरू हुई है, जो अज शाम 5:30 बजे समाप्त हुई है। और इस बैठक के प्रदेश के पदाधिकारी और कोर कमेटी के सदस्य तो चंडीगढ़ दफ्तर के इस बैठक के हिस्सा ले रहे हैं, और कोविड-19 के चलते हुए सारे जिला अध्यक्ष और प्रदेश वालों जिन्हें भी अपेक्षित पदाधिकारी सके वो अपने अपने जिला हैडक्वाटर तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सवेर तो ही इस बैठक का हिस्सा बने हुए हैं। और साढ़े जिला होशियारपुर के मेयर शिवसूद जी, विनोद परमार जी, मीनू सेठी जी, विजय पठानिया जी, रमन कई जी, कमल चौधरी जी, धर्मपाल सभरवाल जी, महेंद्रपाल मान जी, डॉक्टर दिलबाग राय जी समेत असी कुल 12 लोग इस बैठक सवेर दा ही जुड़े हुए सी। इस बैठक दे विच सानूं प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा जी, साढ़े प्रदेश के प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा जी तो इलावा केंद्रीय मंत्री सरदार हरदीप सिंह पुरी जी, केंद्रीय राज मंत्री श्री सोम प्रकाश जी, नैशनल सैकटरी श्री तरुण चुग जी आदि नेतावां दा सानूं जिथे मार्गदर्शन मिलिया। और पार्टी वल्लों दो प्रस्तावों के उत्ते चर्चा भी हुई है। पहला प्रस्ताव पास किया गया राजनीतिक प्रस्ताव है, जिस दे विच देश भर के कोरोना काल के भारतीय जनता पार्टी ने और उसके कार्यकर्ताओं ने जिस तरह काम किया है, राहत कार्य किए हैं, सेवा कार्य किए हैं, प्रदेश नेतृत्व वालों भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने सारे जुझारू कार्यकर्ताओं को बधाई दी गई है। और उसके नाल नाल ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने धन्यवाद किया है कि उन्होंने योग और दूरदृष्टि अगवाई दे विच जिस तरह असी पूरे पंजाब समेत पूरे देश भर दे विच असी राहत कार्य किए, कोरोना काल दे विच असी लोग घर नहीं बैठे, जन जन की असी आवाज़ बने हैं। सो इस दे लई उन्हां दी योग मार्गदर्शन हेठ जिदा कार्यकर्ता वख वख स्थानां ते काम च लगे उन्हां दा धन्यवाद भी किया असी। और पहले प्रस्ताव दे विच ही मोदी जी का धन्यवाद किया कि उन्हां दे कार्यकाल दे विच 500 साल पुराना लंबित पिया केस भगवान राम मंदिर का निर्माण और श्री करतारपुर साहिब का कोरीडोर खोलन का जो श्रेय है वो देश की मोदी सरकार नूं जांदा, उस दे लई भी असी प्रदेश नेतृत्व ने साडे ने धन्यवाद किया है। और इस तो इलावा हुणे दूसरा प्रस्ताव एक होर पास होकर हटिया है, जिस दे विच प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा जी और उन्हां दी समस्त टीम ने कैप्टन सरकार नूं माफिया सरकार के नाम नाल संबोधन करके बुलाया है। वो माफिया सरकार जिस दे विच भू माफिया, रेत माफिया, शराब माफिया, इस सारा माफिया जिहड़ा अज पंजाब दी सरकार उहदे अफसर मिली भगत नाल काम कर रहे ने, देश दी जनता त्राही त्राही कर रही है, चाहे रेता दा मामला होवे, भावें जहरीली शराब पी के मरण वाले लोगों का मामला होवे, हर तरह तो पासे तानाशाही व्याप्त है पंजाब दे विच, और पंजाब भाजपा नेतृत्व ने उसकी निखेधी की है। और प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपील की है सारे जिला हैडक्वाटर के उत्ते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हुण आने वाले समय के संघर्ष करेगा, इस कांग्रेस की नादरशाही तानाशाही सरकार दियां जेलां और उन्हां दियां लाठियां भी सानू नहीं रोक सकनगियां, असी भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं
इस काम के लिए एकजुट हाँ और जो प्रदेश नेतृत्व का सानू आदेश होएगा असी भारतीय जनता पार्टी हुशियारपुर के कार्यकर्ता उन्होंने सिरे चाड़ांगे। धन्यवाद। द स्टेलर न्यूज़ के लिए मुक्ता वालिया के साथ कैमरामैन जितेंद्र प्रिंस की रिपोर्ट।